आप जो न्यूट्रिशन सपोर्ट का जो बात कर रहा था ना सर, 500 रुपीज़ जो है जो टीबी पेशेंट है उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए दिया जाता है वॉलंटियर, तो सर हमें बहुत सारा ऐसा कवर मिला है कि जो 500 रुपीज़ है वो नहीं देते हैं सर। किसी किसके ऐसा होता है अकाउंट जो है चालू नहीं है तो वो उसमें आपको रुपया डालने से भी नहीं जाता है, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा सर। ऐसा तो नहीं है, अभी हम पूछ रहे हैं बोल के आप जो है दे देंगे बोल रहे हैं। आप जो न्यूट्रिशन सपोर्ट का जो बात कर रहा था ना सर, 500 रुपीज़ जो है जो टीबी पेशेंट है उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए दिया जाता है बोल के, तो सर हमें बहुत सारा ऐसा कवर मिला है कि जो 500 रुपीज़ है वो नहीं देते हैं सर, ऐसे क्यों सर? नहीं, वो ऐसा है कि वो तो फंड अगर अवेलेबल है तो मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का ऐसा है फंड जो है हम लोग का 6-6 महीने में रिलीज होता है, तो उसमें कभी थोड़ा छूट जाता है लेकिन उसको एक साल में बाद में मिल जाएगा पूरा, वो मिस होगा नहीं है। तो वो ये पेशेंट का ही है, कोई इधर उधर नहीं कर सकता है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट का, क्योंकि डीबीटी का द्वारा ही उनका अकाउंट में जाएगा सर। अभी हमें बहुत सारा लोग ऐसे बोला है सर, वो खुद पेशेंट खुद जाके भी बोला है कि ये हमको नहीं मिल रहे, 500 रुपीज़ जो एवरी मंथ मिलता था वो नहीं मिल रहा है, अभी क्यों नहीं मिल रहा है वो सवाल पूछ रहा था। तो आप लोग का ऑफिस है हेल्थ डिपार्टमेंट से बोला है कि देख के बताते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बताया सर। उसमें ऐसा है कि बीच में फंड नहीं आ रहा था, तो अभी भी जैसे मार्च में हम लोग को फंड आया, अभी भी फंड नहीं है, फंड रिलीज नहीं हुआ, AOP पास हो गया लेकिन फंड जो अकाउंट में नहीं आया। जब तक अकाउंट में नहीं आएगा हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब अकाउंट में आ जाएगा तो उसमें क्या होता है कि आपको 6 महीना या 7 महीने जो भी है एक साल में उसको मिल जाएगा। तो सर जो छूट गया, जो जिसको नहीं मिला लेकिन उन लोग टीवी से मुक्त हो गया, ठीक हो गया ना, उसको भी मिल जाएगा हाँ, जो उसको क्योर डिक्लेयर हो गया, वो दवा खाना छोड़ दे तभी भी उसको मिलेगा, श्योर मिलेगा ना सर? श्योर कोई उसको कहीं नहीं जाएगा, ये उनको ही मिलेगा। आपको पेशेंट लोग को ये समझाना है कि उनका अकाउंट को अपडेट करिए। किसी किसका ऐसा होता है अकाउंट जो है चालू नहीं है तो वो उसमें आपको रुपया डालने से भी नहीं जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, जैसे भी हो वो मिल जाएगा। तो एक जो डोरमेंट अकाउंट है उसका एक्टिवेट कराइए, KYC कराइए, और जब भी आप पेशेंट अकाउंट नंबर देता है जिसका अकाउंट जो चालू है वही अकाउंट नंबर दीजिए। सर ऐसा तो नहीं है, अभी हम पूछ रहे हैं बोल के आप जो है दे देंगे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम लोग पेशेंट को भी यही बता के भेजता है, लेकिन वो फंड अवेलेबिलिटी को देखना है। फंड आ जाएगा किसी के एक साल में, पूरा 6 महीना का भी एक साल में हम लोग रिलीज करता है, क्योंकि ये उन लोग को नहीं देने से वापस जाना है, ये इसलिए उन लोग को मिलना ही है। लेकिन आपको अकाउंट, हम जो बोल रहे हैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अकाउंट को एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट करने के बाद ही आप उसको देखिए सर। तो जिनको नहीं मिला सर, जिनका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट जो नहीं मिल रहे, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहाँ कौन सा ऑफिस जाके? हाँ, अगर उसका अकाउंट जो है अगर डोरमेंट है, एक्टिव नहीं है, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो आप उसका कोई रिलेटिव है उनका अकाउंट नंबर दे सकता है, लेकिन उसको कंसर्न लेके ये करना पड़ेगा, पेशेंट से कंसर्न लेके। अभी जैसे आप है, आपका बहन को टीबी है, तो उसका अकाउंट अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपका अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन आपका बहन से आप परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब कंसर्न लेना पड़ेगा। सर ये प्रोसेस जो है कहाँ पर करना पड़ेगा? वो हमारा DTC ऑफिस में होगा, वहाँ हमारा अकाउंटेंट है और वहाँ काउंसलर सब है, तो उनका वही होगा। धन्यवाद।